हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोदक सीरीज का तीसरा मोदक, जो कि है पनीर का मोदक। पनीर का मोदक बनाने के लिए हमें चाहिए ये 1/2 कप ऑफ मैदा है, ऑल पर्पज़ फ्लावर, ये 1/3 कप मावा है, ये 1/4 कप सूजी यानी सेमोलिना है, 1/3 कप पनीर है। पनीर और मावे की क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। 1/3 कप ऑफ शुगर है, ये मिल्क है, मिल्क हमें आटा गूंदने के लिए लगेगा जो हम आवश्यकता अनुसार यूज़ करेंगे। ये स्वादानुसार नमक है, 1 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर है, ये कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं जो आपको पसंद है वो ड्राई फ्रूट्स आप यूज़ कर सकते हो, और ये घी है, और तलने के लिए तेल लगेगा। आइए बनाते हैं पनीर का मोदक। मावे को भून लेते हैं। ये 1/3 कप मावा हमने लिया है, ये हमारा मावा भून के तैयार हो गया है, उसने घी छोड़ना शुरू किया है, तो हम मावा निकाल देते हैं और पनीर को भूनने के लिए डालते हैं। अभी ये पनीर है, पनीर को भी ऐसे ही थोड़ा सा भून के लेना है। ये हमने पनीर को भी 1-2 मिनट के लिए भून के लिया है। अब हम दोनों चीज़ें मिक्स करते हैं, मावा और पनीर। अब इसमें ये हरी इलायची का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून है। ये हमारा मोदक का फिलिंग तैयार हो गए हैं। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और मिक्सर को ठंडा होने देते हैं, तब तक आटा गूंद लेते हैं, जिसके लिए हमने लिया है 1/2 कप मैदा है, 1/4 कप सूजी है, स्वाद अनुसार नमक है। ये हमने 1 चम्मच घी गरम कर लिया है जो हमें इसमें डालना है। ये हमने गरम घी इसमें डाला है, 1 चम्मच है वो। मोइन, अभी हमें मोइन करना है, जिसके कारण हमारे मोदक बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। अब हम दूध से आटा गूंद लेते हैं। दूध से आटा गूंदने से एकदम क्रिस्पी बनता है मोदक का बाहर का जो कवर रहता है वो, इसलिए उसे दूध में ही गूंदना चाहिए। पानी में गूंदेंगे तो वो सॉफ्ट हो जाता है। ये हमारा आटा गूंद के तैयार हो गया है, जिसे हमें 10 मिनट का रेस्ट देना है। उसमें सूजी है, इसके लिए उसे 10 मिनट रखना ही है। अब हम आटे को थोड़ा सा गूंद लेते हैं। 10 मिनट हमने रेस्ट दिया है आटे को। अब हम इसकी लोइयां तोड़ लेते हैं और छोटी छोटी पूरियां बना लेते हैं। मोदक के लिए हम पूरी बना लेते हैं और इसे हमें इस तरह से सभी साइड से बना लेंगे। और हम इसमें ये स्टफिंग डालेंगे। स्टफिंग को ऊपर लेते हुए ये ऊपर के जो ये है
उसे अच्छे से बंद करना है। स्टफिंग डालने के बाद हम एक एक करके सब इसको उठा के इसे राउंड शेप करेंगे। इस तरह से हमारे सभी मोदक बन के तैयार हो गए हैं। उतने आटे में ये 12 मोदक बने हैं। हम लोग मैंने पहले ही ऑयल गरम करने के लिए रखा है। हम लोग टेस्ट कर लेते हैं ऑयल गरम हो चुका है क्या। यस, ऑयल गरम हो चुका है। अब हम इसमें मोदक डालते हैं फ्राई करने के लिए। टाइम 4-5 मोदक डाल रही हूँ, 6-6 मोदक में डाल रही हूँ। ये हमारे मोदक अभी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे सभी मोदक अभी फ्राई होके तैयार हो चुके हैं। अगर ये मेरे पनीर मावा मोदक की रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।